अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फार्मा गाइड विद डॉक्टर दीना असलम। और जिस तरह लास्ट टाइम हम एक टॉपिक के साथ आए थे, एक मेडिसिन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी थोड़ी बहुत, उसी तरह आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, वो है कैल्शियम एंड वाइटमिन डी सप्लीमेंट्स। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक दीज मेडिसिन, टू टेक दीज सप्लीमेंट्स फॉर अस। ठीक है, थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं। पहले मैं बताती हूँ थोड़ा सा कैल्शियम से रिलेटेड। ठीक है, वी ऑल नो कि कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रेथनिंग ऑफ आवर बोन्स एंड आवर टीथ। ठीक है, लेकिन नॉट जस्ट फॉर आवर बोन्स, हमारी सिर्फ हड्डियों या हमारे सिर्फ दांत के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसको ये जो है वो स्ट्रेथन नहीं कर रहा, बट हमारी बॉडी में और बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके लिए वी नीड कैल्शियम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी मसल्स फंक्शंस के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं उसके लिए वी नीड कैल्शियम। वी नीड कैल्शियम फॉर नर्व ट्रांसमिशन, नर्व सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं, उसके लिए कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट। कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हार्मोन रिलीज। देर आर मल्टीपल फंक्शंस जो कैल्शियम जो है जिसकी वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड बाय योर बोन्स एंड योर बॉडी एज वेल। जो बॉडी को चाहिए होता है वो हमारे ब्लड में होता है और द रेस्ट इज़ इन द बोन्स। तो बेसिकली हमारा एक नेचुरल प्रोसेस होता है रीमॉडलिंग का। ठीक है, रीबिल्डिंग ऑफ बोन्स जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसमें बेसिकली होता ही है कि हमारी जो बोन्स होती हैं उनका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फिर वो रीबिल्ड होती हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो कैल्शियम आपकी बोन्स में होता है वो रिलीज होता है इनटू द ब्लड। ठीक है, वो जब ब्लड के पास आता है तो ब्लड जो है वो या बॉडी जो है वो उसको दूसरे फंक्शंस के लिए यूज़ करती है। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिस्ट का ये मानना है कि इफ़ यू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑलरेडी इन योर ब्लड, ऑलरेडी इन योर बॉडी, तो फिर वो कैल्शियम विदड्रॉ नहीं किया जाएगा बोन्स से। ठीक है, तो बेसिकली यू नीड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ताकि वो बोन्स के लिए भी यूजफुल हो और आपकी बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए भी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बताते हैं सोर्सेज क्या हैं इसकी। सोर्सेज एवरीबडी नोज कि कैल्शियम की बेस्ट सोर्स जो है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसमें आपके पास योगर्ट आ गया, मिल्क आ गया, चीज़ आ गई। ठीक है, अदर देन दैट आपका ऑरेंज, ऑरेंज जूस होता है, आपका सी फूड होता है, इसमें सैल्मन वगैरह बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। उसके अलावा यू हैव आलमंड ऑयल, आपकी ड्राइड फिग्स जो होती हैं उसमें बहुत अच्छा होता है, फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, सोयाबीन होता है, लीफी ग्रीन्स जो होते हैं, ब्रोकली, स्पिनिश, आपका टर्निप्स, ये सब जो है वो बहुत अच्छी सोर्स हैं कैल्शियम के। ठीक है, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है कैल्शियम की। हर एज ग्रुप की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अगर हम बात करें 0 to 8 years old, इनमें जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ 200 to 700 milligram। तो उसके बाद वैन यू मूव ऑन टू 18 years of age, तो उसमें आपकी आ जाती है 1000 to 1300 mg। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट है ये पर डे की। ठीक है, देन वैन यू मूव ऑन टू 50 years, जो 50 years तक की एक एज ग्रुप होती है, उसमें आपके पास जो है वो अराउंड 1000 mg इज़ द डेली रिक्वायरमेंट। ठीक है, देन मूविंग टूवर्ड्स 50+ years of age, तो उसमें आपकी आ जाती है फ्रॉम 800 to 1200 milligram, 1200 या 1300 भी जो है वो कहा जाता है कि दिस इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट यू नीड टू टेक इन अ डे। ठीक है, और मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक, क्योंकि हमारी वो डाइट होती नहीं है जिससे हमें कैल्शियम मिले, बट आप सिर्फ सप्लीमेंट से ये अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, सो यू नीड टू टेक डाइट अलॉन्ग विद द सप्लीमेंट्स एज वेल। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि सप्लीमेंट्स जो है एक नेचुरल चीज़ तो है नहीं। ठीक है, सो वेन एवर यू आर टेकिंग समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ नेचुरल, दैट इज़ आउट ऑफ द जो भी एक मतलब नेचुरल सोर्स से नहीं आ रही है, तो उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली होते हैं, स्पेशली अगर आप एक उसको एक्सेसिव ड्यूरेशन के लिए या एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लेते हैं तो। ठीक है, अगर आप बहुत अरसे तक ये सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका मोस्ट कॉमन जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता भी होता है वो है किडनी स्टोन्स का। ठीक है, किडनी स्टोन्स जो जब इस पर देखा गया तो जो यूरिनरी ट्रैक में किडनी स्टोन्स देखे गए तो बेसिकली दे वर मेड ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स। ठीक है, तो बेसिकली कैल्शियम सप्लीमेंट्स की वजह से किडनी स्टोन्स जो है बहुत कॉमनली बन जाते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन इशू आ जाता है व्हेन यू आर टेकिंग
कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगेन एंड अगेन, ठीक है. देन देर हैड बीन सम रिसर्चेज एंड इट हैज़ बीन फाउंड के ये आपके CVD यानी कार्डियोवेस्क्युलर डिसऑर्डर्स में भी इन्वॉल्व है इफ़ यू आर टेकिंग दिस टू लॉन्ग, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन होती है, आपकी जो है वो ब्लड कोएगुलेशन हो जाती हैं, ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ नॉर्मल ये चीज़ हो जाती है, ठीक है. और ये आपकी कुछ आर्टेरियल स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है. इसके अलावा सम रिसर्चर्स हैव फाउंड के जो आपकी इफ़ यू आर टेकिंग दी सप्लीमेंट्स तो उससे कुछ CVD यानी कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी वेस्क्यूलर कैल्सिफिकेशंस हो जाती हैं, आर्टेरियल स्टिफनेस हो जाती है, ब्लड कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से इट लीड्स टू सम कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, हार्ट इशूज़ इसमें आ जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रोस्टेट कैंसर, जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है कि हाई इनटेक ऑफ कैल्शियम कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर्स, ठीक है. देन देयर इज एटैक्सिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें आपके बेसिकली स्लरिंग ऑफ वर्ड्स होती है, स्टम्बलिंग होती है. तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ टेकिंग टू मच ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स. इसके बाद हम आते हैं विटामिन डी के बारे में, थोड़ा सी आपको बताते हैं. विटामिन डी इज़ एवरीबडी इज़ वेल अवेयर कि ये आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन भी इज़ विटामिन डी के ज़रिए जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की एब्जॉर्प्शन होती है, जो कि दोनों ही बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. अच्छा, विटामिन डी की क्या सोर्सेज हैं? सबसे बेस्ट सोर्स है आपकी सनलाइट, ठीक है, नेचुरल सोर्स जो है सनलाइट है आपकी बेस्ट, और वो भी स्पेशली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जो फजर के बाद की जो धूप होती है अच्छी, वो सबसे बेस्ट रहती है. Then you have dairy products, you have orange, you have seafood, egg yolk, ठीक है, ये सारे आपके जो है वो बहुत अच्छे sources होते हैं vitamin D के. तो if you are applying too much of sunscreen, या less exposure है sun से, या you are wearing some very protected clothes जिससे जो है आप sun से आपका exposure नहीं हो पाता, तो this may lead to vitamin D deficiency in a person. अच्छा, लाइक आई सेड बिफोर कि टू मच ऑफ एनी थिंग कैन लीड टू सम यू नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है. तो इसी तरह विटामिन डी भी अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं सप्लीमेंट्स, तो उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं. विटामिन डी ज़्यादा होगा, डेफिनेटली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली जो कैल्शियम के साइड इफेक्ट्स हैं वो सामने आते हैं. उसके अलावा नोज़िया वॉमिटिंग बहुत कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, यूरिनेशन ज़्यादा होती है, थर्स्ट ज़्यादा होती है, मस्क्यूलर वीकनेस हो जाती है. तो बेसिकली ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो सामने आते हैं इफ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ विटामिन डी, ठीक है. नेक्स्ट वील डिस्कस के आपके डेली रिक्वायरमेंट, जैसे हमने कैल्शियम का बताया कि डेली रिक्वायरमेंट हर एज ग्रुप के लिए विटामिन डी की क्या है, ठीक है. विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है वो सिंस बर्थ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जब कुछ मंथ का होता है बेबी, तब से ही उनको मेडिसिन जो है स्टार्ट कर दी जाती हैं, स्पेशली इफ़ दे आर ऑन मदर मिल्क, क्योंकि उसमें थोड़ी डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की, ठीक है. तो मैं आपको स्टार्टिंग मंथ से लेकर ईयर्स तक बताती हूँ कि क्या हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 to 6 मंथ्स की एज में, तो उसमें आपकी 400 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे इज़ द डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है. देन 6 to 12 जो है वो आपकी 400 to 1500 होती है. 1 to 3 ईयर्स में आपकी 600 to 2500 इंटरनेशनल यूनिट्स हो जाते हैं. देन 4 to 8 ईयर्स में 600 to 3000, 9 to 70 600 to 4000, एंड देन 70+ जो होता है वो आपकी 800 to 4000 डेली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि मैं इसके बाद आती हूँ कुछ प्रोडक्ट्स पे जो हम यूजुअली लेते हैं, ठीक है, मेडिसिंस जो हम लेते हैं सप्लीमेंट्स. लेकिन उसके अलावा ये होता है कि एक रेंज होती है, वेन एवर यू गो फॉर टेस्ट विटामिन डी टेस्ट, तो उसकी एक रेंज होती है. 30 to 100 जो होती है नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ये एक रेंज है जिसमें अगर आपका आता है तो यू हैव सफिशिएंट विटामिन डी, उससे एक्सेसिव टॉक्सिक हो जाता है, उससे कम इनसफिशिएंट होता है. तो उसमें जो रेंज आती है उसके हिसाब से फिर डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि विच प्रोडक्ट टू गो फॉर, कि इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की या उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जिसमें कम विटामिन डी है. तो बेसिकली प्रोडक्ट्स भी इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि विटामिन डी के जो अगर डेफिशिएंसी होती है बच्चों में, तो उसमें डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, ठीक है. बच्चों में बहुत कॉमन होता है रिकेट्स,
जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा कोई भी बोन ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, वीकनेस इन मसल्स आती है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके विटामिन डी की लैकिंग की वजह से होता है। इसीलिए सिंस बर्थ जो है स्टार्ट कर दी जाती है विटामिन डी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग से बच्चों को विटामिन डी ज़रूर दें, ठीक है। देन वील मूव टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, ठीक है, जिसमें हमारे विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं। इसमें हमारे पास एक बहुत कॉमन आती है एग्नार। एग्नार में आपके पास जो है वो कैल्शियम है, विटामिन डी है एंड विटामिन के है, ठीक है। कैल्शियम आपके पास 500 mg है, विटामिन डी 400 IU है, एंड विटामिन के जो है वो आपकी 90 mcg होता है। विटामिन के आपकी ब्लड कोएगुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ फिर इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ओस्नेट डी होती है या ओसैम डी होती है, जो बेसिकली जिसमें आपके पास विटामिन डी के साथ होता है ओसेन मिनरल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, इसमें आपके पास जो है वो कैल्शियम होता है और अलॉन्ग विद कैल्शियम आपके पास मिनरल्स प्रोटीन्स होते हैं, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ होता है और इसके साथ विटामिन डी होते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं बहुत कॉमन दो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, CSA 1000 के और एबोकेल, ठीक है। इनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है, इसमें आपके पास कैल्शियम है, इसमें आपके पास विटामिन डी है, विटामिन B6 है और विटामिन सी है, ठीक है। बस जो डिफरेंस होता है वो इनकी स्ट्रेंथ का होता है। CSA 1000 में आपके पास 1000 mg ऑफ कैल्शियम होता है, विटामिन डी आपके पास जो है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, विटामिन B6 10 mg है और विटामिन सी 500 mg है, सॉरी यस 500 mg होते हैं। अच्छा, विटामिन सी की जो है वो लैकिंग की वजह से स्कर्वी बहुत कॉमन हो जाता है बच्चों में, और आपका जो विटामिन B6 होता है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें विटामिन बी बहुत सारे जो है वो विटामिन्स होते हैं। विटामिन B6 आपकी किस तरह हेल्प करता है, बेसिकली इट हेल्प्स टू स्टोर एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन एंड कार्ब्स जो आप अपने फूड में लेते हैं, उसमें से एनर्जी जो है वो स्टोर करवाता है, आपका एनर्जी स्टोर करवाता है आपकी बॉडी में। उसके अलावा ब्लड वेसल्स की क्रिएशन में है, ये जो है वो आपकी हेल्प करता है फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली विटामिन B6 का ये होता है कि ये जो है वो बॉडी से जितना भी एक्सेस होता है ये रिलीज आउट होता रहता है थ्रू यूरिन, ठीक है, तो ये इसकी डेली इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी की तरह एबोकेल होती है, जिसमें जो है वो सेम आपकी सारी चीज़ें हैं, आपका कैल्शियम इसमें बस 500 mg है और विटामिन D3 500 इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो होती हैं CSA 1000 और एबोकेल आपकी एफोवेसिन टैबलेट्स होती हैं। एफोवेसिन की जो है वो बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन जो है एक्सेलेंट होती है, बहुत अच्छी होती है, और स्टमक अपसेट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है वो मील के साथ लिया जाए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन सप्लीमेंट्स को स्पेशली विटामिन डी को भी आप मॉर्निंग के टाइम पे लें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है आपकी कैल्डी, ठीक है, एज़ द नेम इंडिकेट्स इसमें कैल्शियम है और विटामिन D3 है। विटामिन D3 आपका कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है, जो कि नेचुरली बॉडी में सनलाइट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और जो हम जो आर्टिफिशियल लेते हैं वो बेसिकली आपका एनिमल सोर्स से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास कैल्डी में आपके पास कैल्शियम होता है और आपका विटामिन D3 होता है, कैल्शियम 600 mg होता है और विटामिन D3 आपके पास होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट। देन यू हैव च्यूकेल। च्यूकेल अगेन हैज़ कैल्शियम एंड विटामिन डी। च्यूकेल में कैल्शियम 400 mg है और विटामिन डी जो है वो 100 इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास, आपका नेचर्स बाउंटी का होता है, न्यूट्री फैक्टर्स के होते हैं, विटामिन D3 होते हैं, आपका D4U है, ठीक है, D4U में कॉलीकैल्सिफेरॉल है, और उसके अलावा जो मैंने जैसे बात की कि बच्चों के लिए स्टार्ट कर दिया जाता है, तो बच्चों के लिए जो आते हैं वो D-Max ड्रॉप्स आते हैं आपके 10 ml के, जिसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो विटामिन D3 अवेलेबल होता है, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, और हमें डेली अपनी डाइट में इनको, अपने रूटीन में इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, हमें नेचर नेचुरल जो सोर्सेज हैं जो हमारी डाइट में हम ऐड कर सकते हैं, उसको भी हमें साथ साथ लेके ज़रूर चलना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, कोई नई मेडिसिन मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।